स्टूडेंट वेलकम बैक टू वर्क फिफ्टींथ सेशन हाउ आर यू आई होप ऑल योर गुड एंड सेफ एट होम सो टेक आउट उर्दू रीडर एंड टेक आउट पेज नंबर ट्वेंटी टू लेसन नंबर टेन एंड फे खाफ हम आज पढ़ेंगे फे खाफ काफ की मिलावट ठीक है हम हमारी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे तो ये जो आइन जोए की मिलावट पढ़े थे ठीक है अब हम आगे का कंटिन्यू करेंगे ठीक है छोटा बच्चा एक तख्ती और सादे आईने की तरह होता है माहौल की इसकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है छोटा बच्चा एक तख्ती यानी स्लेट और सादा आईने प्लेन आईने की तरह होता है कहते माहौल का इसकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जैसा माहौल रहेगा वैसे ही इसको ऊपर असर पड़ेगा बचपन में जिसे इसकी तरबियत होगी जो कुछ वो अपने आसपास देखे और सुनेगा उसके जहन इससे ज़रूर मुतासर होगा यानी जब वो बचपन में ही उसको जो सिखाएंगे तो उसकी ही आदत पड़ेंगी ना वही तरबियत उसको आगे भी आ, काम आएंगी जो कुछ वो अपने आसपास देखेगा वो सुनेगा तो वो जहन में वो ज़रूर बिठा लेता एक बच्चे को कामयाब मस्कबिल के लिए काबिल उस्ताद के साथ सही माहौल और अच्छी तरबियत की भी सख्त ज़रूरत है यानी एक बच एक बच्चे को कामयाब मस्तबल अच्छा मुस्तबिल बनाने के लिए सक्सेसफुल मतलब आ अच्छा आदमी बनने के लिए क्या कहना चाहिए एक टीचर की ज़रूरत होती है और माहौल सही मालौल की ज़रूरत होती है जो बच्चा गलत आदतों में पड़ जाता है इनको समझाना काफ़ी नहीं होता जो बच्चा गलत आदतों में पड़ जाता है उसको समझाना काफ़ी नहीं होता मतलब वो आदत हो जाती है उसको हम जितना भी समझाएंगे, वो वैसे ही कर दे जाएगा तो अपने को क्या करना चाहिए छोटे रहने से मतलब जब हम छोटे रहेंगे मतलब जो बच्चे छोटे रहते वो वहाँ पर माहौल मतलब अच्छी बात करना उन लोग के सामने तो वहाँ पर माहौल भी मालूम हो जाता घर का इनकी निगरानी भी बहुत ज़रूरी है तभी किसी मुफीद नतीजे का उम्मीद की जा सकती है यानी निगरानी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आगे हम जाके अच्छे से उसका नतीजा हमको मिल सकता है बच्चों अपने अंदर पढ़ने लिखने का शौक़ पैदा करो बच्चों अपने अंदर पढ़ने लिखने का शौक़ पैदा करो तो हमको क्या करना चाहिए जब किसी छोटे लड़के मतलब अपने पास छोटे भाई बहन रहते ना उनके सामने या किसी भी के सामने अच्छे से बात करना चाहिए अरी तुरी ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए अपने को आप से बात करना चाहिए तो आगे वो वो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उन लोग भी अच्छी अच्छे से बात करेंगे जब हमारे अरी तुरे से बात करेंगे तो वो भी लड़का वैसे ही बात करेगा तो हमको क्या करना चाहिए हम अपने अंदर पढ़ने लिखने का शौक़ पैदा करना चाहिए इधर उधर के फालतू कामों में नहीं करना चाहिए ठीक है तो हमको जब अपने को टाइम मिल रहा तो हम क्या करना हम आपको पढ़ना है तो पढ़ ही लेना चाहिए नहीं पढ़ते हम नहीं करेंगे बता तो आगे फ्यूचर अपना कुछ भी नहीं रहता तो अपने को क्या करना चाहिए अपने पेरेंट्स पढ़ा रहे ना तो वैसे ही पढ़ लेना चाहिए जिसके पेरेंट्स नहीं रहते वो नहीं पढ़ते तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता आगे चल के तो हम अगर कुछ भी अब पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे चल के अपना मुस्तकबिल भी अच्छा रहेगा और अपने पेरेंट्स को भी जब सुकून मिलता है कि बच्चा अच्छा ऐसा पोजीशन पे है ना बोल के ऐसा रहता ठीक है आज का हमारा होमवर्क है मुश्किल हार्ड वर्ड्स ठीक है छोटा तरह काफ़ी शौख़ मुफीद कामयाब होगी निगरानी मुस्तकबिल जिंदगी ये आप लोग की होमवर्क की नोटबुक में टू टाइम्स लिखना है ठीक है